दोस्तों शैलेश लोढ़ा ने टाग मेहता शो को क्या छोड़ा कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उनसे बदला ही ले डाला, जिसकी उम्मीद शैलेश को भी नहीं थी। असित मोदी इस शो में शो की जान दया भाभी की एंट्री करवा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये कोई अफवाह है, ये खबर खुद असित मोदी ने अपने मुंह से बताई है। ई टाइम में दिए इंटरव्यू में असित मोदी ने बताया कि ऐसे ही नहीं दया भाभी के करेक्टर को दोबारा ना दिखाया जाए। हम सभी ने हाल में बहुत मुश्किल समय का सामना किया है, पिछले 2 साल से हम सभी के लिए कठिन रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही है। साथ ही असित मोदी ने बताया कि इस साल हम दया भाभी के किरदार को वापस ला रहे हैं, तो एक बार फिर से दर्शकों को दया भाभी और जेठालाल का मजाकिया अंदाज दिखाई दे सकता है। जब असित मोदी से पूछा गया कि क्या दया भाभी का किरदार दिशा वकानी वापस करेगी, इस पर असित ने कहा कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि दिशा वकानी दया भाभी बनकर वापस आएंगी या नहीं, क्योंकि अब वो शादीशुदा हो चुकी हैं, उनका एक बच्चा भी है। हम सभी की अपनी एक ज़िंदगी होती है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको दया भाभी ज़रूर देखने को मिलेगी। हम आपको एक टीम के रूप में वही मस्ती देने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले दी थी। असित मोदी का ये इंटरव्यू तभी आया जब मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा था कि दिशा वकानी ने तारक मेहता शो में वापसी के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी है। जो पहली शर्त है वो है कि वो 1 एपिसोड का लगभग 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करेगी। दूसरी शर्त यह कि वो सेट पे सिर्फ 3 घंटे ही काम करेगी। तीसरी शर्त यह है कि वो अपने बच्चे के लिए नर्सरी की मांग कर रही है। असित की बात सुनकर लगता है कि उन्होंने दिशा वकानी की सारी बात मान ली है। माने भी क्यों ना, क्योंकि जिस हिसाब से इस शो के हाल चल रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी कीमत पे दिशा वकानी की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इस शो के अहम किरदार इस शो को छोड़कर जा रहे हैं और जो ऑडियंस है, जो शो के फैंस हैं, वो नहीं चाहते कि उनके फेवरेट किरदारों को बदला जाए। इसलिए इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दया भाभी यानी कि दिशा वकानी को वापस लाने का फैसला किया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या दया भाभी के वापस आ जाने पर शो की पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ पाएगी जितनी पहले थी या नहीं बढ़ पाएगी? आपकी जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।